अगर कोई शादीशुदा महिला गलत तरीके से इशारे करे तो क्या समझे और क्या करे, ये सवाल ज्यादातर लोगों का होता है और कई लोग मुझसे ये पूछ चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर कोई शादीशुदा महिला किसी व्यक्ति को इशारे कर रही है तो उसे क्या समझना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर वो शादीशुदा होते हुए भी किसी पराए पुरुष को इशारे कर रही है तो वह तो बदचलन होगी, और बदचलन स्त्री किसी की भी सगी नहीं होती है। और अगर आप भी उसके इशारे का जवाब देते हैं तो इसका मतलब चरित्र तो आपके पास भी नहीं है। और भगवान न करे अगर आप ऐसे रिश्ते में पड़ जाते हैं तो चरित्र तो छोड़ो, आप एक अपराधी की कैटेगरी में आ जाते हो। क्योंकि जब कोई शादीशुदा महिला किसी अन्य व्यक्ति से रिश्ता रखती है तो इसमें उसके वैवाहिक जीवन के खत्म होने का जोखिम होता है, मतलब खतरा होता है। और जब अनैतिक रिश्तों की वजह से कोई परिवार टूटता है तो उसके परिणाम परिवार के अन्य निर्दोष सदस्यों को भी भुगतने पड़ते हैं। अगर आपने यह किया है तो बधाई हो, आप अपराधी हैं। कानून का तो पता नहीं लेकिन आपने नैतिक अपराध जरूर किया है। इस पूरे प्रकरण में उस महिला के अलावा सह अपराधी आप भी माने जाएंगे, क्योंकि आपके बिना यह संभव नहीं था। जब आप उस महिला के साथ शामिल हुए तभी उसका घर परिवार टूटा। भला ऐसा भी कहीं होता है कि हम कोई कार्य करें और उसकी प्रतिक्रिया हमें ना मिले? क्रिया की प्रतिक्रिया तो विज्ञान भी मानता है, फिर भले ही वह प्रतिक्रिया अच्छी हो या बुरी हो। और घर परिवार तो हमारा भी होता है ना। वीडियो कंटिन्यू रहेगा लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। मैं बोलती नहीं हूँ और ना सुनती नहीं हूँ, ना देखती हूँ, पर सबको रास्ता दिखाती हूँ, बताओ मैं कौन? जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, मंथ के विनर बनते हैं, तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है, तो कॉन्टेस्ट में भाग जरूर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि घर परिवार तो आपका भी होता है ना, वहाँ भी प्रभाव पड़ेगा। अगर उसके घर पे कोई बुरा असर पड़ता है तो आपके घर पे ना पड़े ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप गलत रास्ते जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, दुनिया से छुपा के, दुनिया की नज़रों में धूल झोंक के, अगर आप सही है, ईमानदार हैं, सच्चे हैं, आप मानते हैं कि आप गलत नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको छुपाने की क्या ज़रूरत है? अगर हमें लगता है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे तो फिर हम दुनिया से झूठ क्यों बोल रहे हैं? हम क्यों दुनिया की नज़रों में धूल झोंक रहे हैं? क्यों हम छुप छुप के चोरी चोरी ये काम कर रहे हैं? खुलेआम हम समाज में क्यों नहीं कर सकते जैसे हम शादी करते हैं? कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि हम गलत कर रहे हैं। रही बात चरित्रहीन महिला की, कि अगर महिला ही गलत है तो हम क्या करें, तो हम उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं का अपमान कब तक बर्दाश्त करेगा? अगर आप उसे नज़रअंदाज करोगे, उस पर ध्यान ही नहीं दोगे, तो वो कब तक आपके पीछे पड़ी रहेगी? एक दिन तो आपका पीछा छोड़ ही देगी। आप भी सपोर्ट करते हो, आप भी साथ देते हो, तब उसकी हिम्मत पड़ती है आगे बढ़ने की। वो थक हार कर घर बैठ ही जाएगी, क्यों? सही कहा ना, शायद नहीं। इधर उधर मुंह मारना लोगों की आदत होती है, और आदतों में अचानक से परिवर्तन न्यूनतम संभावना होती है। धीरे धीरे करके ही आदतें बदलती है, लेकिन अगर आपने ऐसा किया, किसी और ने उसके साथ ऐसा किया, हो सकता है कि उसकी आदतों में परिवर्तन आए। लेकिन हम तो शुरुआत कर ही सकते हैं ना नज़रअंदाज करने से। हम नहीं कह सकते कि कोई हमें इशारे कर रहा था, या हमसे नजरें मिला रहा था, या हमसे बात करने की कोशिश कर रहा था, तो हम भी बहक गए। फिर आप भी उसी कैटेगरी में आ जाते हो। शिकायत तो आप उसकी कर रहे हो, लेकिन आप भी उसी कैटेगरी में खड़े हो। और एक चीज़ यहाँ पे ये समझना है कि जो क्षणिक सुख के लिए अपने पति, अपने बच्चों और अपने परिवार की परवाह नहीं कर सकती, उससे उम्मीद बेवकूफ़ी होती है। और वैसे भी किस किस को सुधारेंगे? सबक ले सके तो इतिहास पढ़ाए। अगर उन नुकसानों का हिसाब करने बैठे ना जो ये अत्याधुनिक निर्जीव मशीनें हैं, स्वयं की निर्जीवता पर उन्हें गर्व होने लगे, क्योंकि वो इंसान से बेहतर होती है। जैसे उनकी प्रोग्रामिंग की जाती है वो वैसा ही काम करती है। इंसानों की तरह किसी के साथ धोखा नहीं करती, किसी के साथ चीट नहीं करती, वो उसके अलग या उल्टा विपरीत नहीं चलती है। लेकिन इंसानों में ये क्वालिटी नहीं होती है। इंसान कब बदल जाए, कब लालची हो जाए, कब स्वार्थी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उनसे अच्छी तो मशीनें ही होती है ना। तो यहाँ जो निष्कर्ष निकलता है कि हम किसी और को तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को तो बदल सकते हैं ना। अपने आप में संयमित रह सकते हैं। अगर हमें लगता है कि ये चीज़ें गलत है और हम शिकायत कर रहे हैं, तो हमें खुद पे कंट्रोल रखना है और ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना है। शुरुआत अपने से करना है। ऐसा अगर हर व्यक्ति सोचने लगे तो सुधार जरूर आएगा।
उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या होना चाहिए। जब कोई शादीशुदा महिला आपके ओर इशारे करे तो क्या ऑप्शन होना चाहिए आपके पास, आप अपने विचार जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्त और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानना चाहते हैं और उसका समाधान भी चाहते हैं तो आप इन ई बुक्स को परचेस जरूर करें। ई बुक्स को परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, वन टू वन कॉल पे बात करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं तो भी आप इसी दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव जुड़कर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे मैं फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल शो हो रहा है, आप उसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया तो उसे दिल से लाइक करें, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही अगर मेरे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं तो फेसबुक पर स्टार देके और यूट्यूब पर सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।